मैं शिल्पा कोरडिया अंकलेश्वर गुजरात से हूँ और मैं एक साल 21 सितंबर से मैंने डीएक्सएम ज्वाइन किया था और डीएक्सएम मुझे किसी के द्वारा नहीं मिला था, पर यूट्यूब से सोहेल भाई के वीडियो देख के उसमें मैं स्पाइरुलिना के बारे में ढूंढने के लिए निकली और मुझे मशरूम मिल गया। देखो हमारा अभी डीएक्सएम में आके अभी पता चलता है हमको कि बहुत पुण्य करने के बाद शायद मशरूम हमारे घर में आ जाता है। तो मुझे वैसे मशरूम के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, पर ये मशरूम आया उसके बाद में मैं उसके बारे में बहुत जाना कि ये मशरूम क्या करता है। और हमारे सब लोगों को मैंने सुना कि ये एक ही चीज मतलब मशरूम का जो जो प्रोडक्ट है ये स्पाइरुलिना लो या तो आप कॉफी लो या तो चाय लो, और एक चाय पीने वाला अनेक रोग का निवारण बता रहा था और कॉफी का भी ऐसा था कि एक कॉफी बहुत सारा रोगों को निवारण बता रहा था। तो मैंने बोला ये क्या चीज हो सकती है कि इसको जानना जरूरी है। तो मैं मशरूम के बारे में 6 महीना बहुत सारा वीडियो देखा मैंने, हर दिन का 3-4 घंटा बस डीएक्सएन डीएक्सएन डीएक्सएन। घर वाले भी मुझे पागल समझने लगे थे कि डीएक्सएन के पीछे इतना भाग रही है कि डीएक्सएन के बारे इतना जान रही है। पर मेरा मानना था कि जो चीज हमको लेना है ना पहले उसके बारे में जान लो, जैसे उसके बारे में जान लिया ना तो कोई हिला नहीं सकता आपको, क्योंकि पूरा भरोसा होना चाहिए। और जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं ना उसके बारे में पूरा जान के आप खाओगे ना तो आपको सही रिजल्ट भी मिलेगा। और जो कोई लोग आपको बोलेगा कि नहीं ये तो सब कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट देती है तो उसमें से आप कभी हिलोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या खा रहे हो और उसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो मैंने 6 महीना पहले तो डीएक्सएन के स्पाइरुलिना आरजीजीएल चाय कॉफी क्या चीज है क्या पेस्ट क्या है ये सब के बारे में बहुत सारा वीडियो डॉक्टरों को भी सुना था। और उसके बाद में मैं खुद आर्थराइटिस का पेशेंट थी 5 साल से और मैं एलोपैथी लेना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं नेचुरोपैथी के सब घर में यूज होता था और आयुर्वेद भी बहुत सारा यूज कर रही थी, पर मुझे फर्क इतना नहीं आ रहा था। 30% या 40% आता था फिर वही पोजिशन में मैं आ जाती थी और बहुत सारा प्रॉब्लम, मतलब कोई ज्वाइंट ऐसा नहीं था कि मुझे उसमें दर्द नहीं था और सूजन भी बहुत आ जाता था और खाने का मन नहीं, मतलब पाचन क्रिया भी मेरा बिगड़ गया था। तो हर दिन वही दर्द के साथ सोना और वही दर्द के साथ उठना मेरा हो गया था और मुझे बहुत परेशानी के साथ जीना पड़ता था। और मेरा ऐसा हो गया था कि अभी आगे मुझे कुछ मिलनेगा नहीं और मुझे एलोपैथी खाना नहीं है, इसलिए मैं एलोपैथी का विरोध नहीं है, पर मुझे पता था कि वो खा के हमारे, मैंने क्योंकि मेरे सामने एक लेडी रहती थी ना तो उसकी मम्मी को मैंने देखा था, वो शायद 14-15 साल से आर्थराइटिस का पेशेंट थी और बहुत उसने मेडिसिन खाया था और बाद में उसका रिपोर्ट ऐसा आ जाता है कि उसके हड्डियों में भी होल हो गया, मतलब डॉक्टर ने ना बोल दिया कि आप अभी कुछ नहीं कर सकते, आप बेड पे सोए सोए जिंदगी निकालना है। तो मैं उसको देख के मैं वो दवाई नहीं खा रही थी, आर्थराइटिस का दवाई खा के मुझे ये भुगतना है तो फिर मैं बिना दवाई का भुगतू वो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा शरीर बिगड़ना नहीं चाहिए। वो सब होते मैंने आर्थराइटिस के लिए पहले स्पाइरुलिना और उसका डीएक्सएन चाय और उसका 2-in-1 कॉफी ये सब मैं सोहेल भाई से अपना आईडी निकाला और सोहेल भाई को बोला मैंने 5,000 का प्रोडक्ट मुझे खरीदना है। तो 5,000 का प्रोडक्ट मैंने फर्स्ट लिया और पूरा परिवार के साथ हमने यूज भी किया। देखो मैं शुरू किया 15-20 दिन के बाद मुझे फर्क आने लगा सब चीज में ऐसा, तो मतलब एक अजूबा लगता है कि मतलब एक दुख से लोग खुशी की तरह जाते हैं तो भी पागल हो जाते हैं या खुशी से भी दुख में जाएंगे तो पागल हो जाएंगे। तो मेरी हालत 2-3 महीने ऐसे ही हो गई थी कि मैं ऐसा लिया आर्थराइटिस के लिए प्रोडक्ट और निकल रहा था बहुत सारा प्रॉब्लम, मतलब जादू की छड़ी की तरह कि वो जादूगर एक एक छड़ी घुमाता है और अलग अलग जादू दिखाई देता है ना, वैसे हमारे शरीर से बहुत सारी बीमारियां निकलने लगी थी और मुझे लगा कि ये गेनोडर्मा सच में एक अजूबा है, मैजिक है जो लेते हैं एक रोग के लिए और पूरा शरीर ठीक करके देता है। उसके बाद में मैंने अपनी मम्मी को 5 साल या 7 साल से उसको बीपी डायबिटीज और बीपी दोनों है, शुगर और बीपी दोनों था, तो उसको भी मैंने शुरू चाय से शुरू करवाया। पहले मैंने चाय भेजी उसको, तो
वो चाय पीते भी, फिर स्पाइरुलिना दिया, स्पाइरुलिना के बाद फिर आरजीजीएल वन पेयर लेती है, वो खाली वन पेयर से शुरू किया, आज छह महीना हो गया उसको, छह सात महीना, आज उसकी दो गोली खाती थी शुगर की हर दिन की और बीपी की, और वो खाते खाते सात साल के बाद ये पोजीशन हो गई थी उसकी कि मेरे पापा उसको हर महीने एडमिट करते थे हॉस्पिटल में, और अलग से 5-6 हजार रुपया तो खर्चा उसका होता ही रहता, कि कभी गैस हो गई, कभी सिर दर्द होता है, कभी आंख का प्रॉब्लम हो गया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के लिए उसको हर महीने एक डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता था। वो कभी भी मैं उसको फोन करके पूछूं तो कभी वो खुशी से बात नहीं करती थी मेरे से, वो बोलती है बस जिंदगी काट रहे हैं अभी क्या इसमें है ऐसा, तो निराश हो गई थी। तो मैं, मुझे जब भी फर्क होने लगा तो मैं अपनी मम्मी को बोली, मैंने बोला खा ये अच्छी चीज है, तेरे को सब ठीक कर देगा ऐसा, वो विश्वास से मेरे साथ शुरू किया उसने। तो चाय आरजीजीएल और स्पाइरुलिना वो तीनों चीज से शुरू करवाया, आज उसका ऐसा है कि 7-8 महीने के बाद उसके जो शुगर का दो गोली था ना वो 8 दिन में एक ही बार लेती है, 8 दिन के बाद एक ही गोली उसको अभी जरूरत, मतलब वो खाती है, मतलब अभी 10-12 दिन के बाद भी होगा तो उसको अभी जरूरत नहीं पड़ता है। बीपी का भी ऐसा हो गया कि वो 15 दिन में एक ही गोली कभी लेती है, मतलब धीरे धीरे मेडिसिन हटने लगा, और हर महीने उसको जो हम हॉस्पिटल में लेके जाते थे मेरे पापा, वो आज एक साल से कोई डॉक्टर का हॉस्पिटल में गई नहीं है। ये रिजल्ट है गेनोडर्मा का। देखो आज सब बोल रहे हैं ना कि एक बार बीपी आ गया जिंदगी भर दवाई खाओ, एक बार शुगर आ गया जिंदगी भर दवाई खाओ, एक बार कोलेस्ट्रॉल आ गया जिंदगी भर दवाई खाओ, नहीं, हमारा विश्वास होना चाहिए ऐसी कोई चीज है पृथ्वी पे, और ऐसी कोई चीज हमने लिमसर ने दी है जो विश्वास करके खाएंगे ना तो घर का सारा डॉक्टर का जितना भी फाइल बना के रखे है ना हम घर में, तो सब फाइल आप बात फेंक दोगे, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपके घर में। मैं एक साल से आज मेरे घर में सिर दर्द के लिए भी दवाई लेने के लिए नहीं गए कोई भी, मेरे घर में अभी हम 3 जन है, भरपूर प्रोडक्ट खाते हैं मेरे, ऐसा 20-25 प्रोडक्ट है कि मेरे रेगुलर यूज पहले महीने से कर रही हूँ, कि मुझे विश्वास था वो उसके ऊपर कि यही चीज है कि जो हमको सब रोग से निवारण भी दे सकती है, हमारा हेल्थ और वेल्थ दोनों का प्रॉब्लम सोल्व कर सकती है। कोई ऐसा प्रोडक्ट हमारे घर में आज तक नहीं आया, कोई ऐसा साबुन आया क्या कि उसने 5 रुपया कमा के दिया फिर हमने, और क्या हमने उसका फ्री यूज किया, नहीं हो रहा है। तो ये तो डीएक्शन, वो पहले मुझे पता भी नहीं था, जब भी मैं डीएक्शन में एंट्री लिया मुझे कुछ पता नहीं था इसके बारे में, बस मुझे आर्थराइटिस में से छुटकारा चाहिए था, इसके लिए मैं डीएक्शन का प्रोडक्ट के बारे में जानी और डीएक्शन का प्रोडक्ट यूज करने लगी, और 2-3 महीने के बाद फिर मैं उसके बारे में सब के ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये हमको वेल्थ में भी सपोर्ट करता है, पर मेरा था कि मैं 6 महीना यूज करूं, मुझे रिजल्ट मिले तो मैं दूसरे को बोलूं, ऐसा नहीं कि चलो मैं उठा के तुरंत दूसरे दिन निकल जाऊं, नहीं, वो अपना बॉडी बोले तभी मुझे दूसरे को बताना है। और उसके बाद मैंने अपनी बहन को भी दिया, मेरी बहन को स्किन डिजीज था बहुत साल से, तो वो उसको चाय पेस्ट साबुन सब दिया, मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, वो ऐसा हो गया उसका, वो यूज करती थी पर ठीक ठाक, इसका दिमाग उसमें नहीं जाया था कि मैं कैसे यूज करूँ जो उसका रिजल्ट लू, 3 चीज से रिजल्ट ले सकते हैं हम लोग। तो उसने, उसके बाद मैं एक पार्लर वाली के पास जाती हूँ, पार्लर वाली मेरे साथ ही जुड़ी हुई थी वो लेडीज, तो उसने बताया कि तेरी बहन तो डीएक्शन का प्रोडक्ट यूज कर रही है और इससे सब प्रॉब्लम सोल्व हो रहा है, और तेरे आंख के पास ये सब प्रॉब्लम है वो क्यों नहीं सोल्यूशन मिल रहा है तेरे को। फिर उसके बाद वो घर में आती है और पेस्ट और साबुन का यूज करती है, और उसका जो स्किन का प्रॉब्लम बहुत सालों से था जो उसके चेहरे पे, वो खाली साबुन और पेस्ट और चाय पी रही है और 2-in-1 कॉफी पी रहे है उसके घर में, सब सारे लोग यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट। और उसका लड़का है, उसका दांतों का प्रॉब्लम था, वो शायद लड़का 5-6 साल का ही है, और उसको दांतों का इतना प्रॉब्लम हो गया कि डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने बोला कि उसको रूट कैनाल करना पड़ेगा। मैंने उसको रुकवा दिया, मैंने बोला देख अभी इतना छोटे बच्चे को रूट कैनाल या कुछ ट्रीटमेंट नहीं करवाना है हमको, ये पेस्ट खाली यूज कर उसको, या उसको पसंद आ जाए तो कोकोजी पिला उसको। वो पेस्ट से ही वो बच्चे का दांतों का प्रॉब्लम भी बहुत सारा सोल्व हो गया है अभी,
और उसके बाद में बहुत सारा चाय का तो इतना टेस्टिमोनियल है मेरे पास के चाय का डब्बा जिधर गया ना उधर से वापस फिर लोगों ने मांगा है कि नहीं चाय हमको चाहिए, क्योंकि चाय बढ़िया चीज है, वो चाय चेंज करनी जरूरी है। मेरे घर में चाय मैंने आई अभी सबको बोलते हैं ना कि किसी को चाय के बारे में बोलूंगी तो बोलते है अभी तो आधा किलो लेके आए पड़ा है, देखो जो उसके बारे में समझता है ना वो आधा किलो का पैकेट को नहीं देखेगा। मेरे घर में जब डिएक्शन आया उसके पहले 1 kg चाय पड़ा था और 2 पेस्ट पड़ा था, पर मुझे ये यूज करना था, उसको देखना था, उसके बाद तो चलो इसमें नहीं रिजल्ट है तो बाद में तो वो 1 kg चाय यूज करना ही था, वो 2 पेस्ट मुझे यूज करना ही था, पर मैं इसमें लग गई, उसके बाद में वो पेस्ट भी पड़ा है मेरे घर में ऐसे ही, और आज चाय भी पड़ा है मेरे घर में वो ही पड़ा, और ये डिएक्शन का 1 साल में 1 चाय मेरा 1.5 किलो गया। देखो चाय का कंपैरिजन मैं इसके लिए बता रही हूँ कि हम लोग बोलते हैं कि महंगा है, महंगा नहीं सस्ता है, रिएक्शन का चाय सस्ता है बहुत। कैसे कि आज वो चाय मेरे घर में आधा किलो जाता था तो 400 रुपए kg चाय था, 200 रुपए का चाय जा रहा था, दूध जा रहा था, शक्कर जा रहा था, वो तो सब जा ही रहा था साथ में, और चाय का ही खाली कंपेरिजन मैंने किया तो इस साल का 1.5 किलो चाय गया कितना रुपया हुआ 400। हम हमारी आईडी पे तो हम मंगाते हैं तो चलो 2 kg मान लू मैं 600 रुपया ही गया, और वो चाय मेरा साल भर का कितना 6 से 7 kg जाता था 400 रुपये का kg। तो वो कंपैरिजन अपने प्रोडक्ट पे प्राइस पे मत करिए, हम यूज करके देखेंगे ना तो वो चीज सब डिएक्शन की सब चीज ऐसी है कि वो जो यूज आप लोकल कर रहे हैं ना वो लोकल से बहुत सस्ता हो जाता है। और दूसरा बेनिफिट है हमको दवाई से छुटकारा, मतलब हम कोई भी प्रॉब्लम में जो जा रहा है उसके पीछे दवाई का खर्चा है ना वो बच जाता है। जब भी आपका 6-7 महीने के बाद जब भी दवाई का खर्चा बचने लगेगा तभी दिमाग में आ जाएगा कि नहीं हमको सब बीमारी से दूर लेके जा रहा है, हम हेल्दी रह रहे हैं, तो जरूर हमको डिएक्शन का सब प्रोडक्ट यूज करना जरूरी है। और यूज करेगा वही बोल सकता है, बाकी नहीं बोल सकते इसके बारे में, क्योंकि नहीं यूज किया तो आप बोल नहीं पाओगे इसके बारे में। और उसके बाद मेरी एक फ्रेंड है जो अहमदाबाद में है, मेरा उसका कभी मिलाप नहीं हुआ, मैंने कभी देखा भी नहीं, खाली बस हम फोन पे बात करते हैं वही ऐसा ऐसी एक फ्रेंड। तो उसकी बेटी के लिए मैंने एक पेस्ट भेजा और कोकोजी भेजा, और उसकी बेटी का दांतों का कुछ प्रॉब्लम था, तो उसके 15-20 दिन के बाद वो उसका फोन आता है कि ये पेस्ट कैसा है, क्यों बोला आज तक हमने ऐसा कोई पेस्ट नहीं देखा कि इतना अच्छा रिजल्ट देता है। मेरी बेटी का दांतों का प्रॉब्लम था, वो अभी वो लड़की शायद 10 साल की है तो भी उसको ये सब प्रॉब्लम था दांतों का, तो बोलते वो उसको अच्छा इतना लग गया कि एक बार वो हर दिन पेस्ट नहीं की है ना तो उसको मतलब दिन अच्छा नहीं जाता, उसको पेस्ट करेगी तो ही मजा आता है। और एक बार वो स्कूल में बिना पेस्ट लगाए चली गई, और दोपहर में आई तो मैंने उसको बोला कि आज तुमने पेस्ट नहीं किया बेटा, आज बिना ब्रश करके आप चली गई, बोले नहीं मम्मा ऐसा नहीं है मैंने किया, बोले नहीं किया याद करो आप, बोले हाँ मम्मी मैंने नहीं किया फिर भी मुझे महसूस नहीं हुआ कि मेरा मुंह में बदबू आ रहा है। वो 15 दिन का रिजल्ट देखो, उसके बाद में वो लोग अपना आईडी निकाल के अभी सब प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। उसके कोकोजी भी ऐसा हुआ उसके घर में कि वो 2 kg 1 kg पे उसका बोनवीटा कुछ ऐसा था मूल में कि 1 kg पे 1 kg फ्री था, 2 kg लाके रखी थी घर में, और कोकोजी गया उसकी 2 बेटियां है दोनों बेटियों ने पीना चालू किया, वो 15 दिन के बाद फिर खत्म हो जाता है तो उसकी बेटियों को फिर वो बोनवीटा देती है। उसकी बेटियां बोलते मम्मी ये नहीं चलेगा हमको वही चाहिए जो अभी तो आगे देती थी वही, तो आज 2 किलो बोनवीटा छोड़ के वो कोकोजी पे गई। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट है, देखो बच्चे एकदम साफ आईना है, चलो हम कुछ ऐसा सोच सकते हैं पर बच्चा तो साफ आईना है। एक बार उसके पास वो चीज गया ना गेनोडर्मा जिसके बॉडी में गया ना वो मांगेगा, क्योंकि वो अच्छा फील कराता है इसके लिए मांगता है लोग। इस मेरे पास इसलिए मतलब बहुत सारे मतलब एक लेडी का ऐसा था कि आर्थराइटिस का ऐसा उसको भी प्रॉब्लम था, तो उसको भी 3-4 महीने में RGGL स्पाइरुलिना और कॉफी ये 3 चीज दिया, और आज 3 महीने के उसका 20 साल से आर्थराइटिस का पेशेंट, और चिकनगुनिया भी हो गया था उसको साथ में, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम बाद में धीरे धीरे कैसा हमके दवाई खाने के बाद एसिडिटी गैस कब्ज ये तो सब साथ में सबके घर में हो गया, तो सब उसको आज 6 महीना से वो रेगुलर यूज कर रही है तो उसको भी बहुत सारा फायदा मिला।
और एक लेडी है उसको हाथ मतलब कमर का प्रॉब्लम था, और वो उसको मैं बहुत सा बात बताई कि ये सब चीज अच्छी है, खाना चाहिए, आप खाओ, पर जब तक लोग अनुभव नहीं करेंगे तब तक बात नहीं मान सकते है। तो उस एक बार ऐसा मैं अपने घर से चल के एक हमारा प्रोग्राम था उधर मैं खाने के लिए गई, तो उधर मतलब इधर का मैं 4 सीढ़ी उतर के 1.5 किलोमीटर चल के फिर उधर 4 सीढ़ी 5 सीढ़ी चढ़ के मैं उधर जाके तुरंत काम पे लग गई। वो लेडी उधर थी, इसके लिए वो लेडी ने देखा कि ये आई, उसको बिल्कुल श्वास नहीं चढ़ा है, वो थकान नहीं है, आने के बाद तुरंत काम पे लग गई है। तो वो उम्र में मेरे से बहुत छोटी थी, इसलिए बोलती है कि मामी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप आके तुरंत काम पे लग गई, ऐसा क्यों? फिर मैंने उसको फिर से बताया, देख मैंने पहले भी तेरे को बताया था कि ये चीज ले, क्योंकि लेडीज में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, और एक कोई दवाई नहीं है, ये हमारा हेल्थ बनाता है, पौष्टिक आहार है, जो हमें शुद्ध खुराक मिलना चाहिए वो आज नहीं मिल रहा है, तो हमें वो खाना चाहिए, वो खाएंगे तो अपने आप सब प्रॉब्लम जो बॉडी का है वो अपने आप चले जाएगा, और जो खाते रहोगे यूज करते रहोगे उसको जीवन भर, तो कभी कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। जब तक भगवान ने जीवन हमको दिया है तब तक अच्छी लाइफ हम जी सकते हैं। खाली सिर्फ हमें गेनोडर्मा हमारे घर में लाना है, मतलब हमारा ब्रांड बदलना है, हमें चाय बदल देना है, हमें कॉफी बदल देना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, खाली ब्रांड बदल दो। अपने बच्चों को जो पिला रहे दूध उसमें भी आप कोकोजी डाल रख दो घर में। मेरे घर में मेरा बेटा अभी कोडी से कोकोजी, स्पाइरुलिना, आरजीजीएल, मोरंजी, सब मतलब मेरे घर में सब चीज यूज हो रही है और भरपूर यूज करते हैं। तो हमारा काम है कि लोगों को ये दुख से निवारण मिल जाए, हमारा कुछ कोई दूसरा अहमियत नहीं। आज मेरे पापा को मैं जैसे संभाल रही हूँ ना, ऐसे मैं बहुत सारे लोगों के साथ भी कर रही हूँ। मैं एक एक टेस्टिमोनियल इधर ही है, मेरा अपार्टमेंट में ही है, उसका बच्चा शायद 4-5 महीने के पहले निमोनिया हो गया था उसको, और उसको खुद को भी बहुत श्वास का प्रॉब्लम था कुछ ऐसा दम का। तो वो लेडी एक बार लेके गई स्पाइरुलिना, फिर दूसरे का कुछ सुन के, मतलब होता है ये सब चीज, शुरू शुरू में लोगों को विश्वास नहीं आ सकता है, सबको नहीं हो जाता हमारी तरह कि हम मैंने किया वैसे सब कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। वो एक बार लेके गई, फिर आई, फिर बोल, मैं बार बार उसको समझाती हूँ, देख अपना दिमाग लगा, दूसरे के दिमाग में चलेगी ना तो कभी दुनिया सुखी नहीं हुई है, तो हम नहीं सुखी होंगे। हमारे घर से हमको रोग निवारण करना है ना तो हमारा दिमाग चलाना चाहिए। आज हमारे पास मोबाइल है, देखो जाके उसमें ये चीज क्या है, और दूसरी कंपनी भी बना रही है सेम प्रोडक्ट, पर वो प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट में क्यों फर्क है वो जानो आप पहले, विश्वास करोगे उसके बाद कोई हिला नहीं सकता है, पहले विश्वास करो। वो 1-2 महीना हिल गई थी, तो उसके बाद फिर से मैं लाई उसको, वो शायद ये मीटिंग में भी बैठी है वो लेडीज, और उसके बेटे को निमोनिया की वजह से उसको एडमिट किया था, खुद को 1-2 बार एडमिट करके वो 50-60 हजार रुपया दे के आती थी, फिर भी वो वहीं का वहीं रहते थे, बीमारी नहीं जा रही थी, खाली लक्षण जा रहे थे उसका। और उसके बाद उसने विश्वास किया और स्पाइरुलिना, आरजीजीएल, और उसके बच्चों को, वो लड़का तो आज स्पाइरुलिना मांग मांग के खाता है, उसकी मम्मी बोलती है मुझे वो स्पाइरुलिना छुपा के रखना पड़ता है उसके सामने से, नहीं तो पूरा दिन वही चाहिए उसको। तो आज कोकोजी, कोड़ी से हमारा वर्जिन कोकोनट ऑयल, उस सारा चीज यूज कर रही है, और उसके घर में बहुत सारा फायदा, मतलब 3-4 महीने से उसके घर में, वो बोल रही थी खुद के कोई डॉक्टर की मुलाकात मुझे लेना नहीं पड़ा, नहीं तो हर महीने 15 दिन में हम एक को लेके जाते थे, हर घर का कोई भी एक व्यक्ति को मैं डॉक्टर के पास लेके जाती, कोई ना कोई प्रॉब्लम, तो वो सब आज बंद हो गया। मतलब है गेनोडर्मा में वो शक्ति पड़ी है, हमें विश्वास करके उसको यूज करना चाहिए, बस हमें हिलना नहीं चाहिए, उससे देखना चाहिए, उसको जानना चाहिए उसके बारे में, तो जरूर हम यूज करेंगे तो एक्सपीरियंस मिलेगा आराम से उसमें। और मेरे सामने ही एक लेडी है, उसको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, मतलब बार बार उसका सिर दर्द होता था, वो बार बार दवाई 15-20 दिन के बाद बोलती है दर्द का दवाई है आपके पास क्या, तो था तो मुझे मजबूरी में देना पड़ता था, तो मैं दी 1-2 बार उसको, फिर मैं एक दिन उसको बोली कि देख तुम एक कॉफी पियो, बोले मुझे चक्कर आएगा, मैंने बोला ऐसा नहीं होगा, चक्कर नहीं आएगा, आप चक्कर आएगा तो मैं सामने इधर खड़ी हूँ, मैं आपके मेरे घर में रखूंगी आपको, आप पियो उसको एक बार। वो शुरू की, वो 3-4 स्ट्रिप लेके गई और शुरू किया, उसको थोड़ा धीरे धीरे हल्का फर्क आने लगा,
उसके बाद पूरा पैकेट लेके आज यूज कर रहे हैं, तो उसके घर में भी ऐसा है कि वो दवाई से थोड़े धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, ऐसा नहीं एकदम नहीं होता है कुछ भी, क्योंकि ये नेचुरली है, ये सेल पे काम करता है, तो जरूर हमको हेल्थ में फर्क आता है, पर हमारा थोड़ा धीरज होना चाहिए, उसके ऊपर विश्वास और एक टाइम देना पड़ता है, ये दो चीज हमको रिएक्शन को देना पड़ेगा, उसके बाद हमको हेल्थ भी मिलता है, और उसको बाद में हम वेल्थ के बारे में जानेंगे तो वेल्थ भी बहुत सारा देता है ये चीज। मेरे हस्बैंड आज एक साल से कंपनी में भी वही चाय रिएक्शन का चाय ही बना के पीते है, उधर दूध वाला चाय छोड़ दिया उसने अपने आप, मैंने कभी बोला नहीं कि आप छोड़ो, उसने ही छोड़ दिया, क्योंकि वो चाय है तो सब लोगों के घर में जाएगी, सब लोग बोलते हैं नहीं चाय नहीं छोड़ सकते, किसी को बोलेंगे ना हम लोग कि चाय छोड़ दो आप, ये एसिडिटी बढ़ाता है, एसिड बढ़ाएगा, क्योंकि हमारी सब रोग की जड़ है एसिड, तो एसिड कम करने के लिए हमें चाय छोड़ना पड़ेगा, रिएक्शन का पीना पड़ेगा, तो तुरंत पहले ऐसे बोलेंगे नहीं चाय नहीं छूट सकता है, तो हम बोल देते चलो एक बार दो बार आप दूध वाला पी लो, ये तीन चार बार एज को पियो, पर आज बहुत सारे लोगों ने, आज भी मैं बहुत सारे को पूछी तो बोला नहीं आपकी चाय ऐसी है कि एक बार कॉफी और चाय शुरू किया ना 15-20 दिन के बाद हमारी दूध वाली चाय हमको याद आती ही नहीं, यही पीने का मन करता है, बार बार मन यही चीज मांगेगा, तो ये प्रोडक्ट का मतलब है उसमें तत्व के, प्रोडक्ट बोलती है, हमको बोलना नहीं पड़ता, हमको खाली सिर्फ एक बार उसको मिलना है, उसके बाद बात करनी है, तो क्यों कि हमें एक सोशल वर्क करना है, मुझे मेरा सपना था बहुत छोटी उम्र से कि मैं ऐसा एक सोशल वर्क करूं कि लोगों का कुछ भी कोई काम मैं करूं कि मुझे लोगों को खुशी दे के वो खुशी मुझे मिलना चाहिए, वो आज सपना रिएक्शन शायद पूरा कर रहा है और बहुत सारा अभी भी है कि वो करना है मुझे ऐसा, तो रिएक्शन के द्वारा मैं कर सकूंगी जरूर ऐसा। और एक मेरा हस्बैंड का मैं आपको बताती हूँ, 3 साल से स्किन प्रॉब्लम चल रहा था उसको, और 3 साल से यही बारिश में बहुत आ जाता था उसको स्किन प्रॉब्लम, मुंह पे ऐसा बड़े बड़े चक्का में हो जाएंगे, वो खुजली बहुत आता था, और जब भी दवाई लो तब तक ठीक, फिर छोड़ो और 2-3 महीने में फिर वापस आ जाता था, ये बारिश में आज 1 साल से यूज हो रहा है सब प्रोडक्ट घर में, तो एक ये बारिश में बिल्कुल कुछ पता नहीं चला कि वो किधर गया, वो पता भी नहीं है, और आज रियली मैंने सब घर के और मेरे बेटे का तो बहुत सारा प्रॉब्लम था, जो उसको पेट का प्रॉब्लम और स्किन का प्रॉब्लम बहुत सारा, मतलब उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, वो रिजल्ट में पूरा हो जाएगा तो उसका तो मैं पूरा उसको लेके आऊंगी सामने, पर उसका पेट का जो 20 साल से उसको जो पेट साफ ही नहीं होता था, वो कोर्डिसेप्स से शुरू हो गया, वो सुबह में उठ के कोर्डिसेप्स लेना शुरू किया, शायद 1-1.5 महीने के बाद उसको पेट साफ की क्रिया में बहुत फर्क आने लगा, और उसका बहुत सारा प्रॉब्लम था जो उसने सॉल्यूशन मिलने लगा, और आज रेगुलर वो सब लेता है, और उसका हेल्थ भी अभी इतना अच्छा बन गया है कि बॉडी कभी बनता नहीं था, वो कितना भी खाए कुछ बॉडी को लगता नहीं था, आज उसका बॉडी भी अच्छा हो गया है और हेल्थ भी बन गया है, और आज पढ़ाई में भी वो सब माइंड इतना पावरफुल बना देता है गेनोडर्मा और स्पाइरुलिना कि बच्चों को पढ़ने में बहुत मदद मिलता है, माइंड भी बहुत उसका हेल्दी हो जाएगा कि वो थकते नहीं है उससे और कंटालते नहीं, क्योंकि हमारा बॉडी का मेन पौष्टिक आहार है ना वो मिल नहीं रहा, इसके लिए हम बीमारी की तरफ जा रहे हैं, वो अभी हमको किसी को मालूम ही नहीं, हम ऐसा सोच रहे हैं कि बीमार पड़े तो दवाई खाए, दूसरा कुछ नहीं मिलता है हमको, पर ऐसा नहीं है, हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता ही हमको बीमारी से बचाएगा, और बीमारी है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो बीमारी हटेगी, ये कोरोना ने सबको समझाया, पर ये लिमशर ने तो आज 26 साल से दुनिया को देके रखा है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए आप हर बीमारी से लड़ेंगे, सच में लिमशर को धन्यवाद देते और रत्नमेम और प्रोफेसर सर को भी धन्यवाद है कि डिएक्शन को इंडिया में लाए और इंडिया में लाके हम लोगों को तक हमारे घर तक पहुंचाया, बहुत सारे लोगों के घर तक पहुंच गया है गेनोडर्मा, पर सच में आज मेरे घर से ये सब फाइल मैं पस्ती में डाल दिया, क्योंकि मुझे अभी एक गेनोडर्मा है, मुझे कोई पस्ती अभी फाइल की कोई डॉक्टर की अभी जरूरत नहीं है, मुझे इतना विश्वास है इसके ऊपर, और 1 साल से कोई फाइल खोल के मुझे देखना नहीं पड़ा कि मैं कौन से डॉक्टर के पास जाऊं,
मुझे इसका एड्रेस देखना पड़ेगा, वो मिलेगा कि नहीं, उसको फोन करके पूछू। वो एक साल हो गया पूरा, ये सितंबर में मेरा डीएक्शन से एक साल पूरा हो जाएगा। आज मुझे कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी। आज मैं वो सब फाइल ढूंढ ढूंढ के निकाल के, अभी सब दवाई का डब्बा भी निकाल के घर में से निकाल, नहीं चाहिए, क्योंकि एक साल से जरूरत नहीं पड़ी तो आगे भी नहीं पड़ेगी। मुझे डीएक्शन नहीं छोड़ना है इसके लिए, और डीएक्शन सब घर तक लेके जाना है। बहुत सारे लोगों का मतलब हमको डीएक्शन से बहुत सारा क्या मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, मतलब लोगों की दुआई मिलती है हमको, क्योंकि बीमारी से लोग बाहर निकलेंगे ना, तब उसकी जो खुशी देख के जो मिलता है ना, वो डीएक्शन के पैसे से भी नहीं खरीद सकेंगे क्या। किसी की खुशी देखो ना, जब वो बीमारी से बाहर निकलता है ना, वो खुशी बहुत आनंद देती है हमको। तो वो काम मुझे जरूर करना है डीएक्शन से, और सबको लेना चाहिए, और जितने भी लोग है सबके घर में हमें पहुंचाना जरूरी है। ऊपर 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 ही हम है, अभी भी नहीं गए हैं अंदर, पर सच में है कि शाम का 7 बजे का जो मीटिंग है ना आरवीसी, मैं जब शुरू में आई तो बिहार को देखती थी ना, तो हर दिन मैं ढूंढती थी कि बिहार ने क्या किया, बिहार ने क्या किया। देखो सामने पूरा फिल्म रख दिया, रत्ना मैम और आरवीसी ने सब सामने, प्रोफेसर सर ने हमारे घर तक पहुंचा दिया कि बिहार ने क्या किया, देख लो। आरवीसी चैनल पे है सब। लोग बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट महंगा है, तो मुझे तभी दिमाग में आता है कि देखो हम तो सद्दर है, क्यों उसके बारे में अभी महंगा है ये सब बोल रहे। महंगा शुरू में लगेगा, शुरू करो यूज करने का, महंगा नहीं सस्ता पड़ जाएगा।